हॉलीहॉक के सैफलिन को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे और कैसे सॉइल मिक्सर बनाएंगे और कौन साइज़ का हम इसे पॉट देंगे, तो उसी के बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी। तो वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और वेलकम है आप लोगों का श्वेता क्रिएटिव गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कुछ सीड्स से ऑनलाइन मंगाई थी, उसी से जर्मिनेट की हूँ। तो जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर में नवंबर के महीने में आप इसे नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लॉरिंग होती है, पूरे ये डबल पेटल वाली है। तो इसकी दो वेराइटी आती है, एक सिंगल पेटल और एक डबल पेटल। तो मैं ऑनलाइन सीड मंगाई थी, तो 15 से 20 दिन में सैफलिन तैयार हो जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसका सॉयल मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें कोकोपीट ले ली हूँ, और एक भाग गार्डन सॉयल है और एक भाग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी आप ले सकते हैं, और एक भाग बालू जो रिवर सैंड आती है। तो आप तीनों को मिला लीजिए, और जैसे आप दो डब्बे गार्डन सॉयल ले रहे हैं तो एक डब्बे गोबर की खाद और एक डब्बे रिवर सैंड ले सकते हैं, और कोकोपीट आप हाफ डब्बा ले सकते हैं। जैसे कि हॉलीहॉक के प्लांट को मॉइस्ट सॉयल पसंद है, इसलिए हम इसमें कोकोपीट मिला रहे हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसे नहीं भी मिला सकते हैं, तो बहुत अच्छी वेल डन मिट्टी बन जाएगी आपकी। तो चलिए, पॉट साइज कम से कम हम आपको बता देते हैं, 6 से 9 इंच का पॉट में हमें इसे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि इसके जो प्लांट पौधे होते हैं उसका लंबाई कम से कम 70 सेंटीमीटर होती है। तो वही हिसाब से हम इसे पॉट देंगे, और इसके फ्लावर काफ़ी बड़ा बड़ा आते हैं, काफ़ी सुंदर है, क्योंकि ये डबल पेटल वाली है, पूरा गुच्छे वाली। तो इसकी दो वेराइटी आती है, एक सिंगल पेटल वाली और एक डबल पेटल वाली। तो मैं डबल पेटल वाली सीड मंगाई थी, और इसका जो सीड जर्मिनेशन का टाइम रहता है फ्रेंड, तो कम से कम उस समय इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तापमान उसका रहना चाहिए, और जो ग्रोइंग पीरियड है वो कम से कम 15 से 20 डिग्री से तापमान में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। तो चलिए अब मैं इसे रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं इसमें मिट्टी भर ली हूँ, तो आधी से ऊपर मैं इसमें मिट्टी भरूँगी, क्योंकि इसके बीच से जो पौधे हैं उसके बीच से ये स्टॉक निकलते हैं, उसी में ये फ्लावरिंग करती है। तो ज़्यादा गहराई में आपको इसे नहीं लगानी है। तो इसकी पत्तियों को मैं थोड़ा साइड करके, देखिए साइड साइड इस तरीके से हम मिट्टी डालेंगे। रिपोर्ट करने के बाद आप इसे कम से कम 5 से 6 दिन तक शेड में रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे धूप में रखिएगा। तो ये सेमी शेड में भी बहुत अच्छे से चलती है, फ्लॉरिंग बहुत अच्छे से करती है। तो पूरे अगर धूप में आप इसे नहीं भी रखते हो तो भी इसमें बहुत अच्छी फ्लॉरिंग होती है। अगर 3-4 घंटे की भी धूप मिल जाए तो भी काफ़ी है इस पौधे को, और इसके फ्लावर मिक्स कलर में आते हैं और बहुत ही प्यारे खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। और इसके सीड आप एक बार अगर इस पौधे को लगा लेते हैं तो फिर आप इसमें बाद में जब फ्लावरिंग होके ख़त्म होती है तो इसके जो सीड होते हैं उस समय आप कलेक्ट करके रख सकते हो, और उससे भी आप जर्मिनेशन करके और पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ठंड में ये बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करती है। तो इसका फ्लावर कैसे होता है फ्रेंड, वो मैं ऊपर इमेज में आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए, इसका फ्लावर काफ़ी खूबसूरत होता है और मिक्स कलर में है ये। तो देखिए, यहाँ आपको बीच में थोड़े से हल्के हाथों से दबा देनी है इसे, और उसके बाद इतना ही नहीं फ्रेंड, मैं इसके बाद और एक चीज़ मैं इसमें डालूँगी, तो वीडियो को पूरी देखिए तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी नर्सरी से अगर आप इसके सैफलिन ला के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये कम से कम 10 से 15 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो एरिया के हिसाब से भी होती है, तो हो सकता है 5 रुपये ज़्यादा लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कम रेट में मिल जाती है। वही पौधे आप अगर बाद में लेते हो तो कम से कम 40 से 50 रुपये लगेंगे। तो पौधे को लगाने के बाद एक जग में आप पानी ले लीजिए और आधा टेबल स्पून इसमें एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए। तो एप्सम सॉल्ट मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम अभी पौधे को रिपोर्ट किए तो ये शॉक में नहीं जाएंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो चलिए, अब मैं इसमें इस पानी को डाल देती हूँ। तो पानी आपको उतनी ही डालनी है जितने आपके मिट्टी इस पानी को सोख ले। तो बस इतने में ही ख़त्म नहीं है फ्रेंड। तो 15 दिन बाद मैं इसमें और एक फर्टिलाइज़र दूंगी, जो आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस पौधे के लिए अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।